हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं नहा धो के मैं अब बच्चों को जगाते हैं और उनको उठाती हूँ। चलो तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अब हम बच्चों से। विवान उठ जा बेटा, जल्दी जल्दी उठ, जल्दी 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 उठ। भैया वंशु भी सो रहा है। अरे उठ बेटा, जल्दी उठ, एक मिनट जल्दी उठ। चलो चलो नाई नाई कर लो जल्दी से, स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना स्कूल। चलो उठ उठ उठ, जल्दी उठ। नहीं नाना, ठीक है मैं जा रही हूँ फिर, है तुझे नहीं लेके जाऊँगी, नींद नहीं आ रही, जल्दी उठ जा बेटा। तो गाइज विवान यहाँ तैयार हो चुका है अपने स्कूल के फंक्शन के लिए। गाइज को गुड मॉर्निंग बोलो, ढंग से बोल बेटा। बस यही हाल है, ढंग से नहीं बोल सकता। वैसे तो बड़ा हेलो गाइज करता रहते। तो मैं भी अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, 9 बजने वाले हैं। तो गाइज मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, कनिका भी तैयार हो चुकी है, कनिका भी जा रही है और वंशु भी और विवान भी। तो अब हम निकलते हैं, मिलते हैं स्कूल में। चलो भाई चलो। तो गाइज ये विवान के फ्रेंड्स हैं, कियान है सेंटर वाला और ध्रुव है फर्स्ट वाला। ये विवान के फ्रेंड्स हैं और ये रे फ्रेंड्स यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं। ओ भाई ज्ञान को तो दिखाओ बेटा, ज्ञान तो पीछे हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी ये विवान और उसके फ्रेंड्स यहाँ स्कूल में खेल रहे हैं। अभी उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि अभी वहाँ पे कुकिंग विदाउट फायर और आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना उसका आर्ट चल रहा है। थोड़ी देर में विवान की परफॉर्मेंस भी होगी। ओनो स्कूल वेलकम्स यू ऑल टू सेलिब्रेट मदर्स डे। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो माँ ही है जो धूप में भी छांव जैसी है। अस रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी पुट द अस थ्रू टू ब्रिंग अस अप। हर रिश्ते में मिलावट देखी माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। We all are thankful to God who has blessed all of us with the wonderful blessing called mother. बेटा बाइक में तो करेगा बहुत तेज आदमी। अच्छा
तो गाइस स्कूल में तो फंक्शन खत्म हो गया, अब हम घर जा रहे हैं, घर पे आ चुके हैं, एक तरीके से ऊपर चढ़ रहे हैं। विवान तो थक गया आज बहुत ज़्यादा, बेचारा कुछ खा के नहीं गया था, भूख भी लग रही है इसे। तो अभी हम घर में आ चुके हैं, ये विवान रो रहा है, इसको भूख लग रही है, ला रही हूँ ला रही हूँ खाना। और ये भी रो रहा है, क्यों भी रो रहा है, भूख लग रही है, और इसे भी भूख लग रही है, इसे भी खाना खिलाओ। तो अभी गाइस बज रहे हैं शाम के 4, हम आके बच्चों को खाना वाना खिला के लेट गए थे, तो अभी चाय बनाई है, चाय पी रहे हैं, और यहाँ छोटे काके के लिए हलवा बन रहा है। अब बच्चे सो रहे हैं, बच्चे यहाँ तीनों सोए पड़े हैं, तो इनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ मैं अभी, कि सो रहे हैं तो काम कर पाएंगे हम, एक केक बनाते हैं इनके लिए बिस्किट का, मदर्स डे के स्पेशल ओकेजन पे। विवान अभी सो रहा है, उठेगा तो बहुत एक्साइटेड होगा। क्या होता है ना जब ये सो रहे होते हैं, जब भी हम काम कर पाते हैं, नहीं तो ये करने ही नहीं देते कुछ भी काम, अगर इनको दिख गया केक बन रहा है तो ये वेट नहीं करते, चाहिए इसलिए। तो गाइस मैं विवान को अभी बताती हूँ कि वो स्कूल की आज की परफॉर्मेंस में फर्स्ट आया है। विवान उठ जाओ बेटा, इधर मुंह करियो, सीधा हो। आपको पता है आज आपने जो परफॉर्मेंस दी है ना स्कूल में मदर्स डे पे, उसमें आप फर्स्ट आए हो। आप फर्स्ट, सच्ची? यस, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला आज स्कूल में, ऐसे ही बोला करो, आप पढ़ाई अच्छे से करा करो, ठीक है? तो चलो अपना केक देखते हैं, रेडी हुआ या नहीं, ठंडा हुआ या नहीं। तो हमारा केक बनके रेडी है, ठंडा हो चुका है, तो चलो अभी इसको निकालते हैं और कट करते हैं। तो चलते हैं अब हम केक कट करने मदर्स डे पर। मुझे ना कुछ मिला नहीं इस पे लिखने के लिए, हैप्पी मदर्स डे, बट है ये मदर्स डे के लिए खुशी में ही। पीछे हो जाओ बच्चों। तो अब हम केक काटेंगे, हैप्पी मदर्स डे बोलो। आज केक बहुत लेट हो गया था ना। अरे रुक जा बच्चों, रुक जा, कौन से रुक जा, तो विवान ने भाई नानी को अपनी खिला दिया, नानी को दे दो, नानी का ये रहा आपका, ठीक है चलो आप अपने बिस्तर पे लेके। तो अभी हो गया खाने का टाइम, हम खाते हैं खाना। खाने में बनी है कढ़ी और चावल, और ये विवान के लिए रोटी। तो गाइस खाना भी हो गया है, और जैसे कि आपको पता था मदर्स डे है, हमने केक कट किया है, और आज स्कूल के विवान के स्कूल में फंक्शन भी था, तो वो भी हमने आज आपको दिखाया। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा विवान का परफॉर्मेंस। वो फर्स्ट आया है क्लास में, मुझे 4 बजे मैसेज आया था, विवान 4 बजे मैसेज आया था, क्योंकि रिजल्ट क्या होता है बच्चों के बीच में उस वक्त डिक्लेयर नहीं हुआ था। अब सर्टिफिकेट बनाएंगे, मंडे को सर्टिफिकेट देंगे, इनको प्राइज देंगे। तो मैसेज में बताया कि विवान गॉट फर्स्ट प्राइज, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो प्लीज़ आप भी कमेंट में बताना कि विवान की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। बाय।